Hello friends, welcome to Developing Success Classes. My name is Rahim Mehta, and as you all know that I am conducting your current affair lecture series. And in this video of current affairs, we will discuss India's foreign policy. या फिर सही से कहिए तो India's changing foreign policy. अभी recently हमने देखा that our Prime Minister, he is visiting Europe, और Europe के दो बहुत ही important countries, Poland and Ukraine, प्रधानमंत्री ने visit किया. तो हमारे मन में एक सवाल आना चाहिए. Why Prime Minister is visiting Poland? Why Prime Minister is visiting Ukraine? चलो यूक्रेन का एक ग्रेटर आउटलुक है बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशिया कंफ्लिक्ट एंड यूक्रेन वाज पार्ट ऑफ यूएसएसआर तो उसके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो बहुत पुराने हैं ही एंड यूक्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस क्योंकि हमारे बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स जो है वो यूक्रेन में जाकर पढ़ते हैं बट वाई पोलैंड ऐसे सवाल हमारे मन में आने चाहिए और इसके साथ साथ हमको ये देखना भी बहुत जरूरी है कि जिस भी कंट्री के साथ हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एनहांस कर रहे हैं मेंटेन कर रहे हैं उनके ऊपर प्रोग्रेस कर रहे हैं आखिरकार उन कंट्रीज के पॉलिटिकल मैप्स कैसे हैं उन कंट्रीज के जियोग्राफिकल मैप्स कैसे हैं वो वर्ल्ड में कहां पर सिचुएटेड है किन किन कंट्रीज से उनकी बाउंड्री लगती है किन किन कंट्रीज के साथ वो बाउंड्रीज शेयर करते हैं माउंटेन शेयर करते हैं रिवर शेयर करते हैं क्योंकि किसी भी करंट अफेयर के क्वेश्चन को पढ़ते हुए टॉपिक को पढ़ते हुए ऐसे सवाल दिमाग में आना बहुत ही जरूरी बात है एंड क्यों क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हुए करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं तो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ऐसी लोकेशंस को आइडेंटिफाई करें उनकी इंपोर्टेंस को जानें उनको मैप पर हम प्लॉट करें उनको अपने दिमाग के अंदर याद करके रखें ताकि पेपर में जब वो मैप रिलेटेड क्वेश्चन लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो वो हमें सोल्व करने में कोई ज्यादा दिक्कत ना आए और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप बात कर लीजिए यूपीएससी की एचपीएससी की या किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एसएससी की सीजीएल की सीडीएस की सब में मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो भी करंट अफेयर बेस्ड होते हैं तो इसलिए जिन भी कंट्रीज में मोदी जी विजिट कर रहे हैं या कोई भी हमारी कंट्री का कोई बड़ा नेता कोई बड़ा मिनिस्टर विजिट कर रहा है उन कंट्रीज के ऊपर एक नजर बनाए रखना हमारे लिए बहुत जरूरी रहता है और अभी तो बात एक और भी है कि आखिरकार हम पोलैंड क्यों विजिट कर रहे हैं व्हाई पोलैंड आखिरकार 45 ईयर्स के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री why he is visiting Poland, why he is visiting Ukraine, the reason is simple. We want to diversify our diplomatic relations. We want to diversify our markets. हम इस developing world के अंदर हम इस global village के अंदर अपनी एक identity खोज रहे हैं Poland भी अपनी identity खोज रहा है क्योंकि Poland central Europe में मौजूद है and हम जानते हैं कि Europe में जो western part है जो बिग फोर प्लेयर्स हैं यूरोप के फ्रांस ब्रिटेन जर्मनी एंड एक जो ईस्ट में मौजूद है रशिया ये बिग फोर प्लेयर्स ही सिर्फ यूरोप नहीं बनाते हैं सेंट्रल यूरोप में पोलैंड भी यूरोप का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और वो डेवलप कर रहा है वो धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रहा है आज की डेट में पोलैंड जो है वो यूरोप की आठवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इंडिया के लिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि हम ऐसी कंट्रीज के साथ जो अपने आप को आगे लेकर जाना चाहती हैं जो अपनी फॉरेन रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं हम भी उनके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करें हम भी उनके साथ अपने रिलेशंस को और ज्यादा प्रोग्रेस करें ताकि इस डेवलपिंग वर्ल्ड में डेवलप होने की जो रेस है उसके अंदर हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सके बट इसके साथ साथ हम डिप्लोमेसी के ऊपर तो बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं पर आज की इस वीडियो में हम अपने आप को सीमित रखेंगे सिर्फ यूक्रेन की एंड पोलैंड की मैपिंग से रिलेटेड हम इसके ऊपर बात करेंगे कौन कौन सी कंट्रीज के साथ इन दोनों कंट्रीज की बाउंड्री लगती है इसके साथ कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर और कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन्स यहां पर मौजूद हैं इसलिए इस वीडियो में ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी जुड़े रहिए इस वीडियो में आइए इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम पोलैंड की बाउंड्रीज देख लेते हैं पोलैंड का मैप देख लेते हैं तो अगर मैं बात करूं पोलैंड की क्लॉकवाइज चलेंगे सबसे पहले पोलैंड के वेस्ट में जो कंट्री है उसका नाम है जर्मनी यानी कि पोलैंड जर्मनी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है पोलैंड के नॉर्थ में क्या है पोलैंड के नॉर्थ में है बाल्टिक सी एंड गल्फ ऑफ नास्क दो चीजें रहेंगी बाल्टिक सी एंड गल्फ ऑफ नास्क इसके साथ साथ रशिया का एक प्रोविंस है कैलिनग्रैड वहां भी पोलैंड उसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है रशिया एस सच के साथ भी पोलैंड अपनी बाउंड्री शेयर करता है इसके साथ साथ पोलैंड के ईस्ट में क्या है पोलैंड के ईस्ट में है बेलारूस एंड पोलैंड के साउथ ईस्ट में मौजूद है एक कंट्री जिसका नाम है यूक्रेन और पोलैंड के साउथ में है स्लोवाकिया एंड उसके बाद साउथ वेस्ट में है जेक रिपब्लिक तो ये क्लॉकवाइज कंट्रीज हो गई जिन जिन के साथ पोलैंड अपनी बाउंड्री शेयर करता है दोबारा एक बार जान लेंगे नाम पहले रहेगी जर्मनी नॉर्थ में बाल्टिक सी गल्फ ऑफ नास्क कैलिनग्रैड रशिया बेलारूस यूक्रेन
स्लोवाकिया, जेक रिपब्लिक। तो ये हो गई कंट्रीज जिनके साथ पोलैंड ने अपनी बाउंड्री बनाई। आगे देखते हैं पोलैंड के अंदर इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करें तो सबसे पहले एक रिवर है पोलैंड में जो फ्लो कर रही है, इसका नाम है ओडर रिवर। एक और रिवर जो इंपॉर्टेंट है पोलैंड में, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर की अगर हम बात करें तो यहां से ये शुरू हुई, ये चली और आखिर जाकर गल्फ ऑफ नास्क में ये गिर गई। रिवर का नाम रहेगा विस्टुला रिवर और इसके ऊपर ही सिचुएटेड है पोलैंड की कैपिटल जिसका नाम है वॉरसो। तो विस्टुला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ पोलैंड एंड पोलैंड कैपिटल वॉरसो इज ऑल्सो सिचुएटेड, इट ऑल्सो लोकेटेड ऑन द विस्टुला रिवर एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ पोलैंड इज ओडर रिवर। सो इसके साथ साथ पोलैंड के और चेक रिपब्लिक के बीच में जो बाउंड्री क्रिएट कर रहे माउंटेन्स हैं उनका नाम है सुडेटिक माउंटेन्स। इसके साथ साथ जो पोलैंड के और स्लोवाकिया के बीच में बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं एंड यूक्रेन तक वो एक्सटेंड कर रहे हैं, इन माउंटेन्स का नाम है कार्पेथियन माउंटेन्स। सो कार्पेथियन माउंटेन्स एंड सुडेटिक माउंटेन्स ये भी किसका पार्ट रहेंगे, ये भी पोलैंड का पार्ट रहेंगे। और ये सुडेटिक माउंटेन जेक रिपब्लिक के साथ बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं एंड कार्पेथियन माउंटेन स्लोवाकिया के साथ बाउंड्री क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। सो इसके साथ साथ ये एंटायर पोलैंड का मैप रहेगा। नॉर्थ में बाल्टिक सी, हमारे पास बाल्टिक कंट्रीज भी मौजूद हैं, आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो याद कर लीजिए, लिथुआनिया, एस्टोनिया एंड लेटविया। ये तीन कंट्रीज ऐसी हैं जिनको बाल्टिक कंट्री, बाल्टिक स्टेट्स कहा जाता है। अब आपका काम रहेगा कि अपनी एटलेस ओपन कीजिए, इन तीन कंट्रीज को लोकेट कीजिए, इनकी आप बाउंड्री देखिए किस किस कंट्री के साथ लगती है, इनकी कैपिटल्स को नोट डाउन कीजिए और इनके पड़ोसी देश को भी थोड़ा नजर जरूर घुमाइएगा वहां तक। अगली किसी वीडियो के अंदर जब हम मैपिंग डिस्कस करेंगे तो हम बाल्टिक कंट्रीज के ऊपर बात भी कर लेंगे। तो ये रहा हमारा एज सच पोलैंड का मैप। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन की बात करेंगे, जितनी भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं इस एरिया के अंदर उनको भी हम डिस्कस करेंगे एंड ओवरऑल मेडिटेरेनियन सी के ऊपर भी एक बार हम नजर डालेंगे। तो सबसे पहले यूक्रेन, यूक्रेन के नॉर्थ में मौजूद है रशिया, बहुत ही फेमस कंट्री। रशिया यूक्रेन कंफ्लिक्ट सबने सुना है उसके बारे में, नहीं सुना तो जरूर पढ़िए इसके बारे में। अगर आप यूपीएससी और एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपके लिए रशिया यूक्रेन कंफ्लिक्ट के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा बेलारूस के साथ बाउंड्री है, स्लोवाकिया के साथ बाउंड्री है, मल्डोवा के साथ बाउंड्री है एंड इसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट बाउंड्री स्लोवाकिया, बेलारूस, रशिया, मल्डोवा एंड रोमानिया के साथ बाउंड्री है इसकी आपकी यूक्रेन की एंड हंगरी के साथ भी बाउंड्री है यूक्रेन की। तो इन कंट्रीज के साथ यूक्रेन जो है वो अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है। दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो यूक्रेन में से फ्लो कर रही हैं, एक का नाम है निस्तर रिवर और दूसरी का नाम है नाइपर रिवर। नाइपर रिवर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है यूक्रेन की, क्योंकि यूक्रेन की जो कैपिटल है काइव वो भी कहां सिचुएटेड है, काइव भी नाइपर रिवर के ऊपर ही सिचुएटेड कैपिटल है। इसके साथ साथ यूक्रेन के साउथ में मौजूद है ब्लैक सी एंड इस एरिया को हम बोलते हैं क्रीमियन पेनिनसुला। ये क्रीमियन पेनिनसुला आज से कुछ साल पहले रशिया ने यूक्रेन से एनेक्स कर लिया था। नाउ क्रीमिया इज नॉट पार्ट ऑफ यूक्रेन, इट इज पार्ट ऑफ रशिया, इट इज कंट्रोल्ड बाय रशिया। आप इसे इलीगल ऑक्यूपेशन कह सकते हैं बट स्टिल करंटली इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ रशियन गवर्नमेंट। इसके साथ साथ यूक्रेन के साउथ में एक और इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी भी है जिसका नाम रहेगा सी ऑफ एजोव। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी बोथ फॉर यूक्रेन एज वेल एज फॉर रशिया, बिकॉज रशिया को ब्लैक सी का कंट्रोल सी ऑफ एजोव से मिलता है। ब्लैक सी रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लैक सी से रशिया और यूक्रेन जो है वो मेडिटेरेनियन सी से एंड फर्दर फिर अटलांटिक ओशन एंड पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। रशिया के पास तो आर्कटिक ओशन भी मौजूद है, रशिया के नॉर्थ में तो आर्कटिक ओशन भी है, बट स्टिल ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी से कनेक्शन रशिया की ट्रेड के लिए इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और यही तो एक मेजर कारण था कि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता तो नेटो की नेवी, नेटो की आर्मी, नेटो की फोर्स जो थी वो ब्लैक सी के अंदर, खास तौर पर सी ऑफ एजोव के अंदर अपना दबदबा बनाना शुरू कर देती। फ्यूचर में रशिया के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज हो सकता था, दैट इज वाई रशिया ने इस चीज से बचने के लिए फोर साइटिंग करते हुए यूक्रेन के साथ एक बहुत बड़ी जंग छेड़ दी,
जंग अभी भी जारी है, 2 साल हो चुके हैं, नतीजा नहीं निकला है। किसी और वीडियो में उसके ऊपर बहुत गहन चर्चा कर लेंगे। आज हम बात करते हैं सी ऑफ एजोव और यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट भी मौजूद है जिसका नाम है कर्च। उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको नहीं पता कि स्ट्रेट क्या होती है, स्ट्रेट एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जो दो लार्जर वाटर बॉडीज या दो ओशियंस या दो सीज को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है एंड दो लैंड मासेस को सेपरेट करने का काम करती है। इसको हम स्ट्रेट कहते हैं, हिंदी में इसे हम जल संधि के नाम से जानते हैं। यहां पर है स्ट्रेट ऑफ कर्च जो सी ऑफ एजोव को ब्लैक सी के साथ कनेक्ट करती है। ब्लैक सी फर्दर मेडिटेरेनियन सी से कैसे कनेक्टेड है एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो ये रही आपकी स्ट्रेट ऑफ कर्च, ये रहा आपका सी ऑफ एजोव, ये आपका ओवरऑल ब्लैक सी। ब्लैक सी फर्दर फिर किससे कनेक्टेड है, मेडिटेरेनियन सी से। दो स्ट्रेट्स यहां पर और आएंगी, नाम रहेगा पहली स्ट्रेट का बोस्पोरस स्ट्रेट। बोस्पोरस स्ट्रेट ब्लैक सी को सी ऑफ मार्मरा से कनेक्ट करने का काम करती है। दिस इज सी ऑफ मार्मरा। इसको एक और मैप के ऊपर अगर हम देखना चाहें तो देखिए, दिस इज ब्लैक सी, दिस इज बोस्पोरस स्टेट। यहीं पर मौजूद है इस्तांबुल जो टर्की की कैपिटल है, जिसको पहले कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता था। रोमन एम्पायर के एक राजा थे जिनका नाम था कॉन्स्टेंटीन, जिसने रोमन एम्पायर को क्रिश्चियनिटी के अंदर इंक्लूड किया था या रोमन एम्पायर को क्रिश्चियन करने का काम किया था। उन्होंने इसको कभी एस्टेब्लिश किया था और बाद में ये क्या बन गया, ये खलीफा की कैपिटल बन गया, अरेबिक वर्ल्ड की, इस्लामिक वर्ल्ड के खलीफा की कैपिटल बन गया इस्तांबुल। खैर हिस्ट्री का लेसन हो गया वो। तो बोस्पोरस स्ट्रेट किससे कनेक्टेड है, किसको कनेक्ट करती है, ब्लैक सी को सी ऑफ मार्मरा से कनेक्ट करती है। यहीं पर मौजूद है इस्तांबुल और उसके बाद यहां पर मौजूद है डार्डनलीज स्ट्रेट जो सी ऑफ मार्मरा को एजियन सी से कनेक्ट करने का काम करती है। अब आपके मन में विचार आएगा एजियन सी कहां पर है, इसको भी मैप में दिखा दीजिए। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। देखो हमने अभी डिस्कस किया, दिस इज स्ट्रेट ऑफ बोस्पोरस, ब्लैक सी ऑफ मार्मरा के बीच में कनेक्शन, डार्डनली स्ट्रेट सी ऑफ मार्मरा एंड एजियन सी के बीच में कनेक्शन। ये है आपका एजियन सी और ये किसका पार्ट है, इट इज पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी। और अगर आपको मेडिटेरेनियन सी से बाहर निकलकर अटलांटिक ओशन में जाना है तो यहां पर मौजूद है आपकी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो स्पेन एंड मोरक्को को आपस में सेपरेट करती है, मेडिटेरेनियन सी को और अटलांटिक ओशन को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। सो फ्रेंड्स, ये करंट में चल रही कुछ इंपॉर्टेंट हमारी लोकेशन थी, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे कंट्रीज थी, उनके बारे में हमने थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, ऐसी इंफॉर्मेशन गैदर करते रहने के लिए, अपनी तैयारी को अच्छे से चलाने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़िए, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।